हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो है इग्ला SA-24 डिफेंस सिस्टम को लेके। देखो, इंडिया अभी रशिया के साथ बातचीत चल रही है कि इंडिया है वो रशिया से बेसिकली डिफेंस सिस्टम है वो प्रोक्योरमेंट या खरीदने की मतलब प्लान वगैरह चल रहा है। तो बेसिकली देखो, अभी तक ये डील और फाइनल तो नहीं हुई है। बात करें तो दिसंबर 2018 में मॉस्को में एक मीटिंग होने वाली है, बेसिकली मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को लेके इंडिया और रशिया के बीच में इंटरनेशनल कमीशन के लेवल पे। तो उसी दौरान डिसाइड होगा कि भाई ये डील कंप्लीट हो रही है, जो भी इसमें इश्यूज वगैरह हैं तब। बट अभी न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए कि डील साइन हो जाती है तो कि इग्लास डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया कहाँ से प्रोक्योरमेंट वगैरह कर रहा है। यूपीएससी पूछ सकती है इसराइल से, रशिया से, चाइना से, यूएसए से। तो हमें ध्यान है इसके बारे में रखना है। बेसिक जो इग्ला एस है इसको हम बोले तो एक तरीके की क्या है, मैन पैड है। मैन पैड टेक्नोलॉजी यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब कि एक तरीके से जैसे आपको दिखाऊं फोटो में, कुछ इस तरीके का एक गन टाइप की होती है जो कि लॉन्च ट्यूब होती है, जो कि कंधे पर रख के बेसिकली चलाई है वो जाती है। तो इसका जो यूज है वो जैसे कोई एक तरीके से हम बात करें कि कोई छोटी मिसाइल वगैरह हो उसको ख़त्म करना हो, या फिर कोई छोटा जो प्लेन हो जो कि अर्थ के काफ़ी सरफेस के नज़दीक हो उसको डिस्ट्रॉय करना हो, या फिर कोई टैंक वगैरह हो उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली इस टाइप की गन का या इस टाइप का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का यूज है वो किया जाता है। बेसिकली ये सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, उनको भी ख़त्म कर सकती है। इसके साथ ही जो क्रूज मिसाइल हैं उनको भी ख़त्म करने की इसमें कैपेसिटी है वो होती है। तो ये इसके बारे में कुछ ध्यान है वो रखना है। बाकी इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है कि कितनी फिट की है, क्या क्या इसमें है ये वगैरह, हमारे लिए कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन कुछ काम की है नहीं। बस हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप की चीज़ है और कहाँ यूज है वो होती है। तो अभी रिसेंटली इंडिया प्लान है वो कर रहा है कि इसको भाई प्रोक्योरमेंट है वो किया जा सके। इसके लिए देखो, इंडिया ने और रशिया के बीच में बिड चल रही थी। तो बेसिकली इसको एक नाम और यूपीएससी पूछ सकती है, वो पूछ सकती है वसोराज डील। तो वसोराज जो डील है वो भी बेसिकली इसी से रिलेटेड है। हमें ध्यान रखना है इंडिया और रशिया की इसी डील को नाम बेसिकली वसोराज डील के नाम से भी जाता है। वसोराज डील का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस डील के नाम से भी ये इसका शॉर्ट नाम है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं आगे। देखो इसमें कुछ इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज है वो देखते हैं। सबसे बड़ा इशू आता है यूएसए का काटसा एक्ट। यूएसए का काटसा लॉ ये कहता है काउंट्रीज अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट। मतलब यूएसए का एक्ट ये कह रहा है कि भाई तीन कंट्रीज हैं बेसिकली, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, कि रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी कंट्री अगर डिफेंस रिलेशन रखती है, यानी वहाँ के साथ डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रही है या उनको बेच रही है, तो उन कंट्रीज पे यूएसए सेंक्शन है वो लगा सकता है। तो ये बेसिकली है काटसा एक्ट। तो देखो, इंडिया ने अभी रशिया से कुछ टाइम पहले एस डिफेंस सिस्टम खरीदा था, S-400। तो इसको लेके भी काफ़ी मतलब एक तरीके से न्यूज़ रही थी कि भाई इंडिया पे सैंक्शन लगेंगे नहीं लगेंगे। बट उसके बाद पता चला कि यूएसए ने इंडिया को छूट दे दी कि भाई हम आप पे इस चीज़ को लेकर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो अभी आरोप एक तरीके से ये बात सामने आ रही है कि भाई इंडिया इंडिया को यूएसए ने S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए तो छूट दे दी थी, बट क्या इसके लिए यूएसए छूट देगा? हो सकता है कि इंडिया इसके लिए, इंडिया को यूएसए वो इसके लिए छूट ना दे, क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। इसके साथ ही एक उम्मीद की जा रही है कि जैसे सेंक्शन चाइना के ऊपर भी यूएसए ने अभी सेंक्शन लगाए थे काटसा एक्ट के तहत, क्यों? क्योंकि चाइना ने रसिया से सुखोई SU-35 जो फाइटर प्लेन थे वो खरीदे, इसके साथ ही S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तो उसको लेके मामला काफ़ी गर्मा गर्मी रहा था। तो देखो, एक तो यहाँ पे ध्यान रखने लायक चीज़ वो है कि बेसिकली डील है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में। दूसरा फैक्ट ये है कि यूएसए का काटसा एक्ट, यूएसए का काटसा एक्ट बेसिकली तीन कंट्रीज के लिए ही है। मतलब कि रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ अगर डिफेंस रिलेशन रखे जा रहे हैं उस कंडीशन में ही यूएसए सेंक्शन लगा सकता है, बाकी के लिए एक्ट है वो काम नहीं करता है। तो ओनली ये तीन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए और इंडिया कहाँ से क्या प्रोक्योरमेंट करा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कि मेंढक की या फ्रॉग की चार नई स्पीसीज हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं हिमालयन रीजन में। तो इस पे देखो, यूपीएससी एक तो जो इनकी स्पीसीज़ के नाम है वो तो हमें नहीं पूछेगी कि भाई उनके मेंढक की स्पीसीज उनके नाम बताइए आप, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्पीसीज़ पाई कहाँ गई। यूपीएससी ऑप्शन दे सकती है अंडमान में, या फिर ऑप्शन दे सकती है कि वेस्टर्न घाट में, या फिर ईस्टर्न घाट में, या फिर हिमालय में। तो बेसिकली ये जो एक तरीके से मेंढक या फ्रॉग की नई स्पीसीज पाई गई हैं ये हिमालयन क्षेत्र में पाई गई है, नॉर्दर्न हिमालय में। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली बात करें सॉरी, नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय का रीजन है जिसमें बेसिकली मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में या उनके फॉरेस्ट में बेसिकली चार स्पीसीज पाई गई हैं। इनको बेसिकली बात करें तो हिमालयन हॉर्न्ड फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो
कि इनका जो ऊपर का हिस्सा है आंख के ऊपर, ये थोड़ा उभरा हुआ है सींग की तरह, तो इससे इनको हॉर्न फ्रॉग के नाम से भी जान जाता है, या इस सींग वाले फ्रॉग के नाम से भी। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये पाई कहाँ जा रही है। और अहम बात क्या है, एक छोटा सा फैक्ट ये है कि एस डी बिज्जू एक पर्सन का नाम है जो कि इंडिया में फ्रॉगमैन के नाम से भी जानते हैं, मतलब फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया है वो, बेसिकली एस डी बिज्जू को कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट भी ध्यान में रखना है, उनके द्वारा बेसिकली इन नई चार स्पीसीज को आइडेंटिफाई है वो क्या गया है। तो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ सकती है, तो ये कुछ बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा वो है इज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रांड चैलेंज को लेके। देखो कंटेक्स्ट ये है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रांड चैलेंज को एक तरीके से स्टार्ट है वो किया है, उनकी शुरुआत है वो की गई है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो हम देखते हैं। देखो हम बात करें इस बार हमारे देश की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग थी, चलो आप पहले ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वो कौन से द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है, तो जो इंडेक्स जारी की गई इसमें इंडिया को इस बार रैंकिंग मिली 77, लास्ट ईयर थी इंडिया की रैंकिंग 100, मतलब इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई और अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे देश में, और बिजनेस लाइक माहौल है वो तैयार होना चाहिए, मतलब बाहर की और कंपनीज हैं वो आराम से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें, उनके लिए अगर इन्वेस्टमेंट काफ़ी आसान रहेगा इंडिया में तो इंडिया की इकोनॉमी आगे जाएगी और इंडिया को बहुत बेनिफिट इसके देखने के मिलेंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आएंगी, और इसके साथ ही इंडिया में बिजनेस लाइक माहौल बढ़ता है तो इंडिया की ऑल ओवर लेवल में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। वो सारे बेनिफिट हमें पता है, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रांड चैलेंज स्टार्ट किया है। इस ग्रांड चैलेंज में होगा क्या कि हमारे देश के अंदर जो नई कंपनीज हैं या फिर नए जो यूथ हैं उनको एक तरीके से स्टार्टअप के थ्रू उनका पोटेंशियल चेक किया जाएगा, मतलब कि भाई कितना वो काम कर सकते हैं। प्राइवेट इंटरप्राइज हैं उनको भी मौका दिया जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किस तरीके से हमें निकालना है, और आज के ज़माने में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसका हम किस तरीके से बेहतर यूज कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, वो सब चीज़ें बेसिकली इस ग्रांड चैलेंज में की जाएंगी। इसके साथ ही एक अहम मोटो इसका यह है कि देखो हमारे देश में जो इनोवेशन है, नवाचार का जो मामला है, इसको प्रमोट किया जा सके। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हम कृत्रिम बुद्धिता कहते हैं, इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इसके साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, बिग डेटा एनालिसिस हुआ, जिसे कि बेसिकली हम कहें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाते हैं। तो हमारे देश में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग है वो जल्दी की जा सके, इसके लिए बेसिकली इन चीज़ों पर फोकस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भी देखा जाएगा, और गवर्नमेंट के अंदर जो भी वादा है रिफॉर्म्स वगैरह हैं पॉलिसी वगैरह में वो सब लाने पे फोकस है वो किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये ग्रांड चैलेंज है वो बेसिकली चलाया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके। देखो इंडिया और यूएसए के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम है वज्र प्रहार। तो यूपीएससी एक तो मेज द फॉलोइंग में या ऑप्शन में पूछ सकती है कि वज्र प्रहार किस किस के बीच में है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में, ये ध्यान हमें रखना है। और बेसिकली जो इसका एडिशन है इस बार का, वो एडिशन हम बात करें तो इंडिया के राजस्थान के बीकानेर में बेसिकली इस एडिशन को आयोजित है वो क्या जाएगा, महाजन फील्ड फायर रेंजिंग में, ये बेसिकली नाम है। तो इतनी डिटेल्स तो कोई ज़्यादा काम की नहीं है, बस कहाँ कहाँ हो रहा है किसके बीच में वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है सुलभ इंटरनेशनल को लेके। पहले तो हम जानते हैं कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट ये है कि सुलभ इंटरनेशनल है उसको अभी रिसेंटली बात करें, सॉरी सुलभ इंटरनेशनल है उसके द्वारा अभी इंडिया का पहला सीवर क्लीनिंग मशीन है वो तैयार की गया है, मतलब इसमें एक तरीके से जो मैनुअल सीवेजिंग होती थी हमारे देश में पहले उसको ख़त्म किया गया है। देखो पहले जब भी सीवरेज की लाइन होती थी उनको साफ करना होता था अब तक, तो उसके लिए क्या होता था कि इंसानों को एक अंदर जाना पड़ता था नदी नालों के जो भी एक तरह सीवरेज की लाइन है उसके अंदर, और फिर जाके उनको हाथों से सफाई करनी पड़ती थी। तो इससे एक तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसके साथ ही हमारे देश में जो जातिवाद है इसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है, तो काफ़ी सारे इश्यूज सामने इन्वॉल्व हैं वो रहते हैं। इसके साथ हेल्थ तो देखो बड़ा इश्यू होता ही होता है। तो इन सब से निपटने के लिए सुलभ इंटरनेशनल ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कि सीवरेज की लाइन है उनको साफ करेगी, और उसमें इंसान को नालों में अंदर जाने की जरूरत है वो नहीं रहेगी, मतलब सीवरेज के नाले हैं उसमें मशीन खुद जाके सफाई करेगी। इसके लिए बेसिकली मैनुअल सीवेजिंग को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप है सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा उठाया गया है। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो काफ़ी बार क्या होता है जब भी सीवरेज की जो लाइन होती है उनको साफ करते हैं तो उसमें जहरीली गैस की वजह से जो पर्सन साफ करने जाता है उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे काफ़ी इश्यू सामने आते हैं, मतलब सेफ नहीं होती है वो, और इसी के लिए सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा ये अच्छा स्टेप है वो लिया गया है। बेसिकली बात करें तो हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है, और उसी मौके पर ये शुरुआत है वो की गई है इसी बार 19 नवंबर को। अब हम जानते हैं थोड़ा सुलभ इंटरनेशनल के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुलभ इंटरनेशनल भी।
देखो बेसिकली बात करें तो यह एक तरीके का सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सोसाइटी की कमाल समाज की भलाई के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है। और ये ह्यूमन राइट्स को, उसके साथ ही इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको प्रमोट करता है। इसके साथ वेस्ट मैनेजमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स हैं हमारे देश में एजुकेशन की हेल्प से, उन सब के लिए काम करता है। मतलब मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। यह ध्यान रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिकली काम करता है, बट इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से। अब देखो अहम बात करें कि किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, इसके फाउंडर कौन है वो भी हमें ध्यान में रखना है। बिंदुसार पाठक हैं 1970 में, उनके द्वारा बेसिकली इसको फाउंड है, इसकी स्थापना है वो की गई थी, जो कि मानवता के लिए काम करता है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि है क्या, तो हमें ध्यान में रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा क्या स्टेप लिया गया है। देखो एक तो जो मैनुअल स्वेजरिंग का, जब भी कहीं ऐसे वगैरह हो या फिर आंसर राइटिंग में हमें कहीं लिखना हो तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया के द्वारा ऐसी मशीन डेवलप की गई है, पहली मशीन जिसकी वजह से जो लाइन है सीवरेज की उनको साफ है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि दिल्ली बेस्ड एक इन्वायरमेंट थिंक टैंक है जिसका नाम है साइंस एंड इन्वायरमेंट, तो बेसिकली जिसकी बात करते हैं, सॉरी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसके द्वारा इसको अभी एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? इंदिरा गांधी प्राइज। तो ये ध्यान में रखना कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2018 का जो प्राइज है वो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, इसने इन्वायरमेंटल एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए इन्हें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है वो एक तरीके से दिया गया है। बेसिकली इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2018 का पूरा नाम है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है क्या, इसके बाद में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है ये भी क्या है। तो पहले देखते हैं सीएससी के बारे में। ये देखो नॉन फॉर प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी हाँ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब काम क्या है इसका? देखो काम तो नाम से थोड़ा हमें पता चल रहा है कि साइंस एंड इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली काम है वो कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट की अवेयरनेस के लिए। इसी के साथ ही हमारे देश में जो भी नॉलेज है अवेयरनेस के लिए उसको प्रमोट करना, और जो भी इन्वायरमेंट को लेके इश्यूज आ रहे हैं तो उनके बारे में उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सारे काम इस थिंक टैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ ही जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है इन्वायरमेंट को लेके या फिर ग्लोबल वार्मिंग को लेके, तो उसमें भी काफ़ी सारी हेल्प है वो इनके द्वारा की जाती है। तो बेसिकली एक तरीके से बात करें तो जो भी थिंक टैंक होते हैं वो क्या काम करते हैं? रिसर्च करते हैं, जगह 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 पर एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को फायदा होता है कि गवर्नमेंट उसकी उनकी डाटा की हेल्प से पॉलिसी है वो तैयार करती है। जैसे जगह जगह जाके सर्वे वगैरह करते हैं, ऐसे काम इनके द्वारा किए जाते हैं थिंक टैंक के द्वारा। इसी के साथ ही लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएगी इनके द्वारा, एजुकेशन फैलाएगी, किसको लेके? इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके, एयर एंड वाटर पोल्यूशन को लेके, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेके, उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ, फूड एंड सेफ्टी, एनर्जी हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, इन सारे इश्यूज को लेके इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इंडिया में, और इसीलिए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है वो दिया गया है इस साल। अब हम जानते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। देखो बेसिकली 1986 में इस अवार्ड की या इस प्रेस की आप बोल सकते हो कि स्थापना है वो की गई थी इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो ये जो अवार्ड है वो किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। क्यों? उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है जो कि कोई एक अच्छा, एक आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके का सोल्यूशंस लेके आई हो, काफ़ी अच्छे तरीके का आइडिया लेके आई हो, किसको? इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट भी आ गया, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उन सब के लिए अवार्ड है वो किया दिया जाता है। अब देखो इससे पहले भी जो अवार्ड बात करें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है वो किसको दिया गया है ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 1989 में यूनिसेफ को ये अवार्ड है वो दिया गया है, इसके साथ ही राजीव गांधी को दिया गया है 1991 में, MS स्वामीनाथन है उनको भी दिया गया 1999 में, कोफी अनान को दिया गया है, इसके साथ ही इसरो को अवार्ड दिया गया है 2014 में, और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को भी अवार्ड दिया गया है, और 2017 में जो इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है वो किसके द्वारा दिया जाता है, किस उपलक्ष्य में दिया जाता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में एक डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो रही है जिसको बेसिकली इग्ला एस या SA-24 के नाम से जाना जा रहा है, उसको लेकर देखा।
इसके साथ ही हमने यूएसए का जो कार्ट्सा एक्ट है इसके बारे में जाना। इसी के साथ हमने जाना कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय में मेंढक की नई स्पीसीज पाई गई हैं उनके बारे में। और फिर हमने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ ही इंडिया और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। इसी के साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में जाना और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया। और इसी के साथ ही सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ है इसके बारे में हमने कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस की। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।